दिल में सच्चा प्रेम हो तो आत्मा की आवाज सुनकर द्वारिकाधीश भी दौड़े आते हैं। विदुषी जयकृष्ण जी पाठक। रुक्मणी विवाह की अभिनयात्मक प्रस्तुति देते हुए समा बांध दिया। समीपस्थ ग्राम कोट भिड़ोता में परम पूज्य बाल विदुषी जया कृष्णा पाठक तंदोड़िया रतलाम के पावन सानिध्य में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में 6ठे दिवस प्रसंगानुसार रुक्मणी हरण की कथा सुनाते हुए बताया कि जब जब भी भक्तों ने सच्चे दिल से पुकारा, जैसे रुक्मणी जी की पाती देखते ही भगवान द्वारिकाधीश दौड़े चले आए, उसी प्रकार आत्मा की आवाज सुनकर परमात्मा जरूर आते हैं। रुक्मणी जी का विवाह संस्कार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ वेद की रचनाओं के साथ नयनाभिराम दृश्य के साथ अभिनयात्मक प्रस्तुति लोक कलात्मक राम भरोसे वर्मा के द्वारा की गई। द्वारिकाधीश की अंबिका, रुक्मणी की पायल चौहान, बलराम की मोनिका ने कन्यादान, प्रताप सिंह ने तथा मामा की राजेश चौहान ने भूमिका निभाई। यज्ञाचार्य राजेंद्र पाठक, महेश पंडित ने शुभ लग्न संपन्न करवाया। विवाह समारोह में श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया। बारात धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर वर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, लोकगीत की प्रस्तुति दी। भजनों की संगत अर्जुन पंडित एवं महाकाल साउंड हरसोरा के माखन परमार ने तथा संगीत मनोज राणा, यशवंत राणा, गोलू हरोड़ ने दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की गरिमामय उपस्थिति रही, यह जानकारी टेकचंद चौहान ने दी। आयोजक ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त किया। केसूर से नवीन जैन के साथ चंदन बराड़िया की रिपोर्ट।